हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, जैसे आपको मालूम है कि आज भोपाल में नियुक्ति को लेकर ध्यान आकर्षण किया गया और डीपीआई से क्या अपडेट मिला है वो मैं शेयर कर रहा हूं दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक चयनित शिक्षक 27 मार्च 2023 को सोमवार को डीपीआई के सामने अपनी बात रखने गए हैं और वहाँ से जो अपडेट मिला है वो हमारे परिवार के एक्टिव सदस्य श्री देवेंद्र साहू जी ने मुझे शेयर किया है दोस्तों। तो पूरा अपडेट हम देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, अभय वर्मा जी के आज की अपडेट के अनुसार मार्च के अंतिम सप्ताह में वर्ग 3 की नियुक्ति लेटर जारी किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो वर्ग 3 के लेटर जारी होंगे। वर्ग 1 के वर्ग 2 की भर्ती प्रक्रिया कोर्ट केस के कारण विवादों में उलझी हुई है, इसलिए इसके नियुक्ति लेटर कोर्ट केस के निराकरण के बाद ही जारी हो सकते हैं। और जनजाति कार्य विभाग में जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति लेटर जारी कर दिए गए हैं और उन्हें कोर्ट में केस लगाकर भर्ती प्रक्रिया बाधित करने का काम किया है, उनके ऊपर जनजाति कार्य विभाग द्वारा विशेष कार्रवाई माननीय शिक्षा मंत्री जी के आदेश अनुसार की जाएगी दोस्तों। ठीक है, ये आज की अपडेट है। साथ में उन्होंने कुछ फोटो भी शेयर की हैं दोस्तों, तो वो हम देख लेते हैं। जैसे कि आज जो भाई बहन गए थे ये उनके फोटो हैं, और जो देवेंद्र साहू जी ने अपडेट भेजी है दोस्तों वो बिल्कुल कंफर्म होती है, क्योंकि वो लगातार इस प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, जो हमारे भाई बहन हैं वो अपनी नियुक्ति को लेकर आज डीपीएम गए थे। तो कुल मिलाकर अपडेट ये आई है कि वर्ग 3 का जो लेटर है, ज्वाइनिंग लेटर, वो मार्च के अंतिम सप्ताह में वो जारी कर देंगे, लेकिन वर्ग 1 और वर्ग 2 पे चूंकि केस लगा हुआ है, जब तक उसका निराकरण नहीं हो जाएगा वो लेटर होल्ड पर एक तरह से रखे गए हैं। और साथ में ये भी कहा गया है कि जिनके आदेश जारी हो चुके हैं और उन्होंने भी केस लगाया है कि हमें डीपीआई में जाना है, तो उन पर भी जो है जनजाति विभाग अपने हिसाब से कार्रवाई करेगी, जो भी दिशा निर्देश होंगे, जो भी गाइडलाइंस होगी उसके अनुसार। फिलहाल यही अपडेट है दोस्तों, आगे की जो भी अपडेट मिलेगी वो मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा। ये वीडियो सूचना मात्र था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए दिल से धन्यवाद।